अस्सलामुअलैकुम यूनिटी न्यूज स्टूडियोज में मैं हूँ आकाशा यासीन। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अरब अमारात पाकिस्तान ने सरकारी कंपनियों के रिसर्च की खरीदारी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान की तरफ से अरबों डॉलर की ताज़ा कर्जों की दरख्वास्त के जवाब में मुतहदा अरब अमारात ने अवामी सतह पर दर्ज सरकारी कंपनियों में असलियती हिस्से मुज़ाकरात की कीमत पर खरीदने और इनमें से हर एक फर्म के बोर्ड में एक निश्चित की पेशकश की है। ये कबूल होने पर कैश की कमी से दो चार हुकूमत को बड़ा फरोग मिल सकता है और इस्लामाबाद और अबू धाबी के दरमियान रवायती कर्ज दहिंदा तालुकात से अलहदगी का निशान बनेगा जो मुतहदा अरब अमारात का दारकूमत और इसकी दौलत का जरिया है। LPG की कीमत में 24 घंटों के दौरान दूसरी मरतबा इजाफा। LPG मार्केटिंग कंपनियों ने सुपर टैक्स की आड़ में 24 घंटों के दौरान फी किलो LPG की कीमत मजीद 10 रुपये बढ़ा दी। मुनहरिफ अरकान को निकाल कर दोबारा वजीर आला पंजाब के लिए वोटिंग करवा लेते हैं लाहौर हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने हुआ समाज के हलफ और गवर्नर के इख्तियारात के खिलाफ अपीलों पर समाप्त की। हुआ शहबाज के वकील मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि 14 अप्रैल को तहरीक इंसाफ ने वजीर आला के इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए रेफरेंस दायर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान और अरब रुपये खसारे का बजट पेश। बजट पेश करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि बजट 2022-23 का मजमू हासिल 110,32,82,94,000 है जबकि अखराजात का तखमीना 119,32,82,94,000 लगाया गया है जिसमें 9 अरब रुपये खसारे का बजट भी शामिल है जो वफाकी हुकूमत फराहम करेगी। फ्रांस ने पाकिस्तान को कर्ज की वापसी के लिए बड़ी रियायत दे दी। पाकिस्तान और फ्रांस के ग्रुप G20 के कर्जा मौकिल करने के इकदाम के तहत पाकिस्तान के जिमा वाजिब उल अदा $107 मिलियन के कर्जा को मौतल करने के मौके पर दस्तखत कर दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए यूनिटी न्यूज़।